दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सब्जी पड़ी ही नहीं होती, तो बिना किसी सब्जी के कैसे बनाएं कोई सब्जी जो खाने में भी बहुत अच्छी हो, टेस्टी भी हो, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों आप ये शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी ट्राई करके देखना, थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, मैंने इसमें फ्लेवर्स भी काफी अलग देने की कोशिश करे हैं और ये आपको काफी पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है जिसमें आपको प्याज और शिमला मिर्च चाहिए, ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है ना। दूसरा पार्ट है ग्रेवी का। ग्रेवी में आपको एक प्याज चाहिए, दो टमाटर चाहिए होंगे, साथ में मैंने आधा कप के आसपास दही लिया या 4 बड़े चम्मच। अब दही को फटने से बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप दही को पहले फेंट लेना। फेंटने के साथ साथ मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच यानी कि लगभग 2 टीस्पून के आसपास मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। तो धनिया पाउडर को आप दही के साथ बहुत अच्छे से मिला लेना ताकि दही फटे बिल्कुल भी ना। दूसरी बात रही प्याज और शिमला मिर्च की, तो प्याज के आपको बल्ब्स निकालने हैं यानी कि उनके बड़े बड़े पीसेस करने हैं, तो आपने बस ऐसे स्लाइसेस करने हैं और बल्ब्स तो बहुत आराम से निकल जाएंगे। रही बात शिमला मिर्च की, तो मेरे को तो ट्रायंगल पसंद है क्योंकि ये ट्रायंगल शेप थोड़ी यूनिक सी लगती है। आप बड़े बड़े बल्ब्स में भी काट सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने तो इनको ट्रायंगल्स में काटा है, बस दिखने में अच्छा लगता है और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, बाकी अब ग्रेवी की बात करें तो ग्रेवी में आपको प्याज चाहिए होगा। प्याज को एकदम फाइनली चॉप करना है, मिक्सी में ग्राइंड मत करना, नहीं तो वो तेल ज़्यादा पी जाती है ग्रेवी, मज़ा नहीं आता, थोड़ी दरदरी ग्रेवी बनती है, अच्छी लगती है। अच्छा, और दूसरी बात टमाटर आपको फाइनली चॉप करने हैं। अब कमेंट सेक्शन में आपने कई बार ये लिखा है कि भरत भाई जितनी फाइनली चॉपिंग आप कर पाते हो उतनी नहीं कर पाते, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप प्याज या टमाटर को होल्ड कर पाओगे और आप फाइनली चॉपिंग कर पाओगे। तो अब ये देखो, मैंने टमाटर पहले एकदम नॉर्मली स्लाइसेस में करके दूसरी तरफ काट लिया है, लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप इसको पूरा मत काटना एंड तक, एंड में थोड़ा सा टमाटर छोड़ देना। ये करने की वजह से आपको थोड़ा सा टमाटर पे होल्ड मिल जाएगा, पकड़ने की जगह मिल जाएगी जिससे कि आप पकड़ सकते हो और एकदम फाइनली चाकू चला सकते हो। छोटी सी ट्रिक है, आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो और बाद में आप बिना ऐसे काटे भी आराम से काट सकते हो। यही थी सारी प्रिपरेशन अफटाफट से करते हैं सब्जी को बनाना। मैंने तो आपको बोला ही था कि ये बहुत जल्दी बहुत आराम से बन जाती है। तो आप कढ़ाई में सबसे पहले सरसों का तेल डालना, सब्जी तो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है, आप वैसे कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए सबसे पहले हमें यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा सौते करना है, हल्का सा सौते करना है, ज्यादा बिल्कुल मत पका देना। प्याज और शिमला मिर्च में बाइट रहनी चाहिए और वो ही अच्छी लगेगी। हल्का सा आप सौते करना और फिर इनसे तेल एक्सट्रैक्ट करके इनको निकाल लेना। और अब बात करते हैं कैसे बनाएंगे हम इस ग्रेवी को। इसी तेल में आपने सबसे पहले जीरा डालना है, जीरा के साथ साथ मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों, सरसों के साथ साथ मैंने यहाँ पर सौंफ डाली है और बहुत थोड़ा सा मेथी डालना, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा मत पका देना नहीं तो जल जाएगा एकदम। तो उसको रोकने के लिए आप फटाफट से यहाँ पर कटे हुए प्याज डाल देना। बेस्ट बात इस ग्रेवी की ये है कि प्याज को गोल्डन ब्राउन करना ही नहीं, प्याज को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने से हल्का ऊपर तक पकाना है। तो जैसे ही ये रोस्ट होने लग जाए बहुत जल्दी हो जाते हैं, 1 से 2 मिनट में ही प्याज इस लेवल पर आ जाते हैं। तो अब आपने मसाले डालने शुरू करने हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है और इसी टाइम पर डालना हल्दी पाउडर। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है टाटा संपन्न का हल्दी पाउडर। टाटा संपन्न की हल्दी में 3% तक करक्यूमिन है और करक्यूमिन ही वो चीज है जो की हल्दी में वो औषधि वो गुण देती है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है करक्यूमिन। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है जिससे कि कलर बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पर तेल में प्याज के साथ मसाले को भुनोगे ना, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को, आप देखना ग्रेवी का रंग भी बहुत निखर कर आएगा। बस इस टाइम पर आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है इसके साथ साथ, थोड़ी देर और रोस्ट करेंगे ताकि मसाला भी हल्का ब्राउन हो जाए। और फिर यहाँ पर आपने टमाटर डाल देने, फाइनली चॉप टमाटर है ना। अच्छा, आपको तो पता ही है कि टमाटर के बाद मैंने यहाँ पर नमक डालना है और नमक डालने के बाद बस आपने ये बात में थोड़ी सी मेहनत करनी है कि टमाटरों को अच्छे से पकाना है। दैट्स इट, ये इकलौता मेहनत का काम है इस रेसिपी में। टमाटरों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 मिनट लग जाएंगे भुनने में अच्छे से, तेल निकलना चाहिए इससे। और मैंने बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है तो बहुत ज्यादा तेल तो निकलेगा नहीं, लेकिन आप अगर साइड्स में देखोगे तो हल्का हल्का तेल आपको दिखने लग जाएगा और दूसरा जो प्याज टमाटर का जो मसाला है वो हल्का दरदरा होने लग जाएगा। इस रेसिपी का जो फ्लेवर एनहांसर है, जो इसकी खास बात है, वो है बेसन। बेसन ही है जो यहाँ पर एक
क्रीमी क्रीमी टेक्सचर देगा। दोस्तों कल मैं एक स्पेशल रेसिपी डाल रहा हूँ जिसमें मैं आपको बेसन के बारे में और थोड़ा डिटेल बताऊंगा कि बेसन कैसे सब्जी को एनहांस करता है, आप वो जरूर देखना। जब टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे तो आप यहाँ पर एक बड़ा चम्मच बेसन का डालना और उसको भी साथ साथ इसके बहुत अच्छे से भुन लेना। बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों ये। और बस फिर क्या, हमें यहाँ पर वो जो धनिया पाउडर वाली दही है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करनी है और यही हमारी ग्रेवी को वो टेक्सचर देगी और एक ग्रेवी देगी जिससे कि सब्जी बहुत बढ़िया रहेगी। पर यहाँ पर खट्टेपन में बहुत चीज़ें हैं, टमाटर है, दही है, खट्टा ज़्यादा हो जाएगा ना, तो जब भी खट्टा ज़्यादा हो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो चीनी चाहिए होगी इसके साथ साथ, डिपेंड करता है आपने प्याज को कितना भुना है। अगर ज्यादा भुना है प्याज को तो फिर चीनी तो प्याज छोड़ ही देंगे अपनी, लेकिन बैलेंस के लिए, क्योंकि मैंने प्याज को ज्यादा नहीं भुना, मैंने तो ट्रांसलूसेंट होने तक ही भुना है, तो इसलिए मैंने चीनी डाली है। बस थोड़ी देर में ही दही भी अच्छे से पक जाएगी। अब आप यहाँ पर पानी डालना और आप इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए पकने देना, लगभग 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड्स के बाद थोड़ी ग्रेवी अच्छे से एकदम जुड़ सी जाएगी, पक जाएगी अच्छे से। तो इस टाइम पर आप यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च डाल देना और अब आप समझ ही गए होंगे कि ये सब्जी लगभग बनकर पूरी तैयार है। हमें बस अब ये करना है कि जो प्याज और शिमला मिर्च है उसके अंदर तक थोड़ा सा फ्लेवर लाना है कि वो जो ग्रेवी है वो लिपटी भी हो जाए प्याज और शिमला मिर्च के साथ। थोड़ा सा आप इसको भून लेना इसके साथ और ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा ढककर पका देना ताकि जो प्याज और शिमला मिर्च है हल्के से सॉफ्ट हो जाए। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी भी होंगे तो इतने अच्छे नहीं लगेंगे ना। अच्छा, लास्ट चीज जो मैंने यहाँ पर डाली है जो कि बहुत ही यूनिक है वो है थोड़ा सा सूखा पुदीना। कसूरी मेथी नहीं डाली यहाँ पर, मैंने यहाँ पर पुदीना डाला है। अगर आपके पास पुदीने का पाउडर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप परचेज कर सकते हो, मैंने नीचे अमेजोन का लिंक दिया है। ये पाउडर आपके बहुत काम आएगा, जब भी आप कोई सूखी सब्जी बनाते हो ना उससे बहुत काम आएगा। लेकिन अगर आपको पुदीने का पाउडर नहीं खरीदना तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रहे, कसूरी मेथी मीठी नोट्स बढ़ाती है और जो पुदीना है वो फ्रेशनेस बढ़ाता है, तो चॉइस आपके ऊपर है। और एंड में गरम मसाला तो आएगा ही थोड़ा सा। बस सब्जी लगभग बन के पूरी तैयार है। ढक कर इसको 2 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर छोड़ देना, यानी कि दम पे, ताकि अच्छे से सारे मसाले सब चीजें अच्छे से जुड़ जाए। एंड दैट्स इट, आपकी सब्जी बन के पूरी तैयार है ना दोस्तों। एकदम यूनिक सी रेसिपी, प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी, और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको सुबह आराम से बना सकते हो, आपके बहुत काम आएगी।